अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अम्मी की फैमिली में आप सबका वेलकम किया जाता है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो आज हम आपके साथ करने लगे ऐसी जादुई टिप्स शेयर करने लगे। क्यों जी, आज हम क्या करने लगे हैं? आज हम आपको फुल बॉडी लोशन बनाना बता रहे हैं। ओहो, तो आज हम आपको फुल बॉडी लोशन बनाना बताएंगे। और ये चीजें आपके घर में मौजूद होती है ना, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा अगर हम बाजार जाए तो कितने एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे कि आप बताएं कितने एक्सपेंसिव होते हैं ये बिल्कुल लोशन जी, वगैरह। खास तौर पे लेडीज तो बिल्कुल अग्री करेंगी कि वो फेस के लिए अलहदा, हाथों के लिए अलहदा और पैरों के लिए अलहदा लोशन लेते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा लोशन बना लिया जाए जो कि फुल बॉडी को मॉइस्चराइज भी करे और वाइट भी करे। तो आज हम आपके लिए लेके आएंगे ये जादुई लोशन लोशन। जी आप बिल्कुल, करने ये के घर में आपको आसान, आपको बाजार के महंगे महंगे लोशन नहीं खरीदने लोशन पड़ेंगे, लेना ऑल पड़ेंगे, इन वन है ऑल जी। इन वन है ये। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये लोशन है हमने बनाया है। कि आपको भी अपने हाथों पे अप्लाई करके दिखाते हैं मैं कि जी हाथों क्या पे अच्छा इसका रिजल्ट ये आया देखें है। जी, बिल्कुल जी, ये ये देखें दिखाएं जी, जरा करीब करके देखें। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त जी लोशन की टिप शेयर करें, इसको स्किप मत किएगा, प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और बिना स्किप किए आप देखें इस वीडियो को, आपको इसका अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। दूसरा दिखाओ साथ जी अपना, ये देखें जी। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। तो सबसे पहले जो आपके इसके इंग्रीडियंट चाहिए होंगे, ये ऑल बॉडी लोशन हम आपको बनाना बता रहे हैं, ऑल इन वन है। आप इसको हाथों पर, पैरों पर, बॉडी पर और फेस पर आराम से ईजिली अप्लाई कर सकते हो बिना लंबा चौड़ा खर्चा किए। ओके जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर क्या होता है कि जी हम क्या करते हैं, फेस के लिए अलहदा लेते हैं, पैरों के लिए अलहदा और हाथों के लिए अलहदा हम लेते हैं जी जो होता है लोशन वगैरह। तो आज हम आपको घर में बनाना बताएंगे कम पैसों के अंदर एक फुल बॉडी लोशन। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। खालिस एलोवेरा जेल मिल जाए तो भी ठीक है, अदरवाइज जो आप मार्केट से बना बनाया मिलता है वो भी आप ले सकते हो। हमने जो लिया है वो मार्केट वाला एलोवेरा जेल लिया है जो कि 2 टेबल स्पून है। सेकेंड इंग्रीडियंट हम इसमें चाहिए होगा जी ग्लैसरीन, और ग्लैसरीन हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। ग्लैसरीन जो होगी वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, और इसमें तमाम इंग्रेडिएंट वो हम शामिल करेंगे क्योंकि ड्राइनेस का मौसम है, पैचेस पड़ रहे हैं, रैश पड़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपके हाथ पैर और फेस और बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। तो जी ये वाला लोशन आप बना के अप्लाई करोगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। 2 इंग्रेडिएंट हो चुके हैं इसमें, एलोवेरा जेल और जो हमने सेकेंड इंग्रेडिएंट डाला है वो ग्लैसरीन। उसके साथ ही जो हम इसमें डालेंगे पेट्रोलियम जेली, और ये हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। ओके जी, 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे पेट्रोलियम जेली जिसको हम कहते हैं वेजलिन। आप इसमें वेजलिन शामिल करोगे, अच्छी तरह मिक्स करो उन दोनों चीज़ों को। ओके जी, ये हमने शामिल कर दी है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल स्मूथ भी हो जाए और बिल्कुल बाजार जैसा ही लोशन का काम करे, तो आप लेंगे 1 अदद वाइटामिन ई का कैप्सूल। वाइटामिन ई के कैप्सूल की जगह आप इसमें डाल सकते हो कोकोनट ऑयल भी, हम इसमें कोकोनट ऑयल भी शामिल करेंगे। आप इसको जी इस तरह एक पिन ले लें और उसके साथ ऊपर से इस तरह इसको टच कर लें। अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए थैंक यू सो मच। नीचे अब हमने इसमें सारा शामिल कर दिया है वाइटामिन ई का कैप्सूल। ये तमाम वो इंग्रेडिएंट हैं जो कि किसी भी ब्रांडेड जो आप लोशन लेते हो उसके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन क्या होता है कि फेस के लिए हम कुछ और लेते हैं, पैरों के लिए कुछ और, हाथों के लिए कुछ और लेते हैं, तो आज हम ऑल इन वन बनाएंगे। अगला इंग्रेडिएंट है हमारे पास कोकोनट ऑयल, इसकी जगह आप आलमंड ऑयल भी ऐड कर सकते हो। फ्यू ड्रॉप हम इसमें शामिल करेंगे, जो इनकी स्किन ड्राइनेस वाली है वो इसमें ऑयल भी शामिल करेंगे। जी अच्छी तरह अब हमने इसको मिक्स करना है। आप इसको मिक्स करोगे, अच्छा जी अगर आप इसको वाइटनिंग लोशन बनाना चाहते हो तो आप इसमें क्या शामिल करोगे, वाइटनिंग कैप्सूल। जो लोग अगर यहाँ तक तो बिल्कुल मॉइस्चराइजर के तौर पे तैयार हो चुका हुआ है, लेकिन जो लोग इसको जी वाइटनिंग भी चाहते हैं के साथ वाइटनिंग भी आए, तो इसमें वो शामिल करेंगे 2 जी वाइटनिंग कैप्सूल। बड़ी ईजीली बाजार से मिल जाते हैं, आप आराम से बाजार से ले सकते हो। 2 हम इसमें ये शामिल कर देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि साथ साथ वाइटनिंग भी आए, तो आप वाइटनिंग के लिए इसमें शामिल कर सकते हो। अगर आपकी स्किन पहले से ही फेयर है तो आप जी इसको स्किप भी कर सकते हो। ये देखिए जी, अब हम इसमें वाइटनिंग कैप्सूल शामिल कर रहे हैं, इसके बड़ा ही अमेजिंग रिजल्ट आएगा और आपको बड़ी गोरी गोरी प्यारी प्यारी सी जिल्द मिलेगी। इसको शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह घुमा लेना है और ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह आपने इसको निकाल लेना, कोई चीज़ भी ज़ाया मत करें,
ये देखें जी, अच्छी तरह हम इसको निकाल लें। अब हम इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, और आप जैसे मिक्स करना स्टार्ट करोगे खुद ब खुद ही ये लोशन की शेप में आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। ये देख रहे हो लोशन बनता जा रहा है, और ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देगा आपको। किसी भी जी आप इसको ग्लास जार के अंदर या प्लास्टिक का जो जार होता है उसके अंदर बंद करके रख लो, और उसके बाद आप देखोगे इसका अमेजिंग रिजल्ट आएगा। देखें जी, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं, बस आपने मिक्स करते जाना है, ये टर्न हो जाएगा खुद ब खुद ही लोशन की शेप के अंदर। ये हमारा होममेड लोशन बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। एक बात यहाँ पे हम मेंशन करते जाएं कि जी जिन लोगों की स्किन टाइप पर ये सूट नहीं करता तो वो इसको स्किप कर सकते हैं, और जिन लोगों को सूट करता है जो भी इसमें इंग्रेडिएंट तो वो इसमें डालकर इसको इजीली लगा सकते हैं। पैच टेस्ट पहले कर लें ताकि आप इसको इजीली लगा लो। अब हम आपको लगा के दिखाते हैं जी, इसको लगाइए अपने पैरों पर अपने हाथों पर, इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। बहुत ही प्यारा जी, इसका स्मूथ आपके हाथ हो जाएंगे। इस मौसम में हाथ पैर की स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड हुई हो जाती है, और रैश पड़ जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो जी आप इजीली लगा सकते हो, तो अमेजिंग इसका रिजल्ट आएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और अगर आपको हमारी कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर हमारे चैनल को लाइक करिएगा।